कार्रवाई और प्रेरणा दोनों से चिन्हित एक दिन में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टियोट सिद्ध हमीरपुर में स्वच्छता की भावना को प्रज्वलित करते हुए अटूट दृढ़ संकल्प के साथ स्वच्छ भारत अभियान 3.0 की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री द्वारा दिलाई गई एक हार्दिक शपथ के साथ हुई, जिसमें NCC, NSS और NYKS स्वयंसेवकों को अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। निदेशक NYKS हिमाचल प्रदेश सुश्री ईरा प्रभात ने माननीय मंत्री और उपस्थित लोगों का स्वागत किया और प्रभावशाली पहल के दिन की रूपरेखा तैयार की। माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, मैं स्वच्छ भारत अभियान के प्रति उनके अटूट दृष्टि और निरंतर प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। यह उनके गतिशील नेतृत्व का परिणाम है कि हम इन प्रशंसनीय मील के पत्थर को हासिल करने में सक्षम हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है और यह सुनिश्चित किया है कि शौचालय की कमी के कारण किसी भी लड़की को स्कूल ना छोड़ना पड़े। उनके समर्पण ने वास्तव में भारत को बदल दिया है और हमें एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध राष्ट्र की राह पर अग्रसर किया है। मंत्री ने शौचालय निर्माण के मुद्दे को जन आंदोलन के रूप में अपनाने के लिए देश की सराहना की। इसके परिणाम स्वरूप घरों में शौचालय की व्यापक उपलब्धता हुई। उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में स्वच्छता और साफ सफाई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। बड़े झुंड बनाकर ना चलें, छोटी छोटी टोलियों में अलग अलग स्थान पर जाएं, ताकि ये जो हमारे श्रद्धालु देश के कोने कोने से बाबा बालकनाथ की इस पावन धरती पर आते हैं, उनको भी लगे कि हम कितने साफ सुथरे इलाके में आए हैं, हम यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।